हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विथ लेंथ, यहाँ पर गिवन है पी स्क्वायर क्यू माइनस 5 एंड ब्रेथ का वैल्यू गिवन है क्यू स्क्वायर प्लस 4p। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है शेडेड ट्रायंगल का, PAB। कौन सा शेडेड ट्रायंगल? यहाँ पर जो कलर हुआ है देखो, ये शेडिंग शेडिंग पोर्शन पोर्शन है। तो यहाँ पर जो शेडिंग पोर्शन है वो एक फिगर है ट्रायंगल का। देखो PAB, देखो मैं जो दिखा रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, पी से लेकर ए से लेकर बी, ये क्या है? PAB एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल जो आपको कलर हुआ दिख रहा है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे इसको हम पहले समझते हैं। देखो, तो पहले हमें क्या करना है, ये जो ABCD जो ट्रायंगल, यहाँ पर जो रेक्टेंगल गिवन है, ABCD रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो चलो हम लिख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ इसका। तो इसको देखो, मैं ये वाला ऊपर वाला क्या है, DC क्या है, हमारा लेंथ है, और AB भी हमारा लेंथ है। तो हम नीचे यहाँ पर लिखते हैं लेंथ हमारा कितना है, पी स्क्वायर क्यू माइनस 5। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल हमारा ABCD जो रेक्टेंगल है हमारा, उसका मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ पी स्क्वायर क्यू माइनस 5। ठीक है, अच्छा ये रेक्टेंगल का ब्रेथ कौन सा है, BC। BC हमारा क्या है, BC हमारा ब्रेथ है। तो ब्रेथ की जगह पे हम लिख देंगे, ब्रेथ कितना गिवन है हमें, देखो यहाँ पर गिवन है ब्रेथ कितना गिवन है, क्यू स्क्वायर प्लस 4p। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल जो हमारा यहाँ पर PAB है, उसका एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे बच्चों, तो अगर ये जो आपका ब्रेथ है BC, जो हमारा ब्रेथ है क्यू स्क्वायर प्लस 4p, ये जो BC हमारा जो ब्रेथ है, वो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो बन जाएगा हमारा ट्रायंगल का हाइट। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। BC जो ब्रेथ है, उतना ही मेजरमेंट का हमारा क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। देखो मैं यहाँ पर हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेमिंग ले लेते हैं, ABCD तो यूज हो गया, यहाँ पर क्यू ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्यू ले लो, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल जो हमारा क्यू हमने यहाँ पर लिया है एक पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ PQ इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए जो PAB। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखो बच्चों, जो हमारा रेक्टेंगल का ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल PAB, PAB ट्रायंगल का वो क्या है, हाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और बेस कितना हो जाएगा, जो लेंथ है वो हमारा हो जाएगा, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो बच्चों हो जाएगा हमारा ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस। ध्यान से देखो, जो हमारा AB जो क्या है, AB जो हमारा ब्रेथ है वो हो जाएगा जो ट्रायंगल का, ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, बेस ऑफ द ट्रायंगल PAB। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो हाफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब सब बच्चों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो जान ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो उसी को यूज करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बेस और हाइट का, तो आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है हमको लिखना कैसे है। ठीक है, आपने क्वेश्चन समझ लिया कैसे उसको सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। अब मैं आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर दूंगा और मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट और समझते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लाइन में यहाँ नीचे कर देता हूँ ताकि हम नीचे यहाँ से स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो जी यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लिखेंगे। तो ध्यान से पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे हियर ABCD इज रेक्टेंगल। यहाँ पर ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, हियर ABCD इज रेक्टेंगल और उसका लेंथ कितना है, लेंथ हम लेंथ यहाँ पे लिख देंगे कितना, लेंथ जो है CD, लेंथ क्या है, BC लेंथ है, लेंथ BC इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 4p।
ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी ये लेंथ नहीं, सॉरी ये ब्रेथ है, एक मिनट गलती हो गया, ठीक है इसको हम रब कर लेते हैं थोड़ा, ये ब्रेथ है तो पहले हम लेंथ ही लिखते हैं, सॉरी पहले लेंथ ही लिख लेते हैं हम लोग लेंथ लिखेंगे फिर हम ब्रेथ लिखेंगे, ठीक है। लेंथ यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, हम यहाँ पर लिखते हैं लेंथ, बीसी लेंथ हो रही है, लेंथ क्या है आपका, लेंथ है ए बी, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ जो है हमारा ए बी, लेंथ ए बी इक्वल टू, जो लेंथ हमारा ए बी है वो कितना है, पी स्क्वायर क्यू माइनस फाइव, और जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ लिखोगे पहले, ब्रेथ यहाँ लिखोगे और उसका नेमिंग दोगे, ब्रेथ का हम यहाँ नेमिंग लेते हैं बी सी, बी सी हमारा ब्रेथ है, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर बी सी जो है वो ब्रेथ है हमारा, ठीक है। तो ब्रेथ बी सी इक्वल टू कितना, क्यू स्क्वेयर प्लस फोर पी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हियर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल, लेंथ ए बी उसका कितना है इतना, और ब्रेथ हमें बी सी गिवन है, ब्रेथ हमें लिख लिया। अच्छा अब हम यहाँ पर लिखेंगे, लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों जो हमें ट्राइंगल हमें जो फाइंड करना है उसके बारे में अब हम लिखेंगे यहाँ स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर लेंथ हमारा पी स्क्वायर क्यू माइनस फाइव और ब्रेथ हमारा क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन इन, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर नाउ लिखो, ठीक है, नाउ ट्रायंगल पीएबी, क्या देख लो ट्रायंगल हमारा क्या है, पीएबी, देखो यहाँ पर पीएबी है ट्रायंगल हमारा, ठीक है, इन ट्रायंगल पीएबी, इन ट्रायंगल पीएबी ब्रेथ, पहले हम लिख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं अच्छी तरह स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, यहाँ पर लिखो लेंथ जो जो रेक्टेंगल का जो बच्चों लेंथ है दैट इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल पीएबी, ट्रायंगल पीएबी का वो बेस है, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल पीएबी। अच्छा अब हम यहां पे लिखेंगे, अब ब्रेथ के बारे में यहां पे लिखेंगे हम, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, यहां ब्रेथ जो है वो हो जाएगा हमारा हाइट, हाइट क्या है हमारा, हाइट का भी नेमिंग यहां पे लिख लो, हाइट कितना है पी क्यू, हाइट पी क्यू ऑफ द ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है। हमने यहां पर बेस का नेमिंग लिखा, बेस का आप यहां पर नेमिंग लिख लो इक्वल टू बेस, बेस क्या है हमारा ए बी, देख लो ट्रायंगल का जो बेस था, हाँ ए बी, बेस ए बी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम नीचे करेंगे इसको, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे यहां पर देखो, अब हमें ट्रायंगल का सब पता चल चुका है, तब हम निकालेंगे ट्रायंगल को, निकालेंगे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अब डैड लिखेंगे एरिया, अब डैड लिखना है, कुछ करना नहीं है, डैड एरिया निकले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा चलो फॉर्मूला पुट करो, ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस क्या है, बेस का पहले हम नेमिंग देते हैं ए बी, बेस है हमारा ए बी और हाइट क्या है हमारा पी क्यू, ठीक है, ऊपर देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था पी क्यू, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं यहाँ पर, अब कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर आपको डालना है, फॉर्मूला हो गया, ए बी का मेजरमेंट कितना है, देखो ए बी का मेजरमेंट कितना है, देखो मैंने ऊपर लिखा है ए बी का मेजरमेंट कितना है हमारा, ए बी का मेजरमेंट है पी स्क्वायर, ठीक है, देखो ऊपर लिखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू, यहाँ पर देखो और लिखेंगे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू
माइनस फाइव, ये है हमारा बच्चों ए बी इंटू। अच्छा पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, क्योंकि बी सी जो है पी क्यू वही है, तो हमने यहाँ पर लिखे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक बार, यहाँ पर हमने एक मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मेंशन हम कर देंगे यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू बेस जो सर, हाँ बेस सॉरी यहाँ पर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हाइट ऑफ पी क्यू ऑफ द, पी क्यू ऑफ द ट्रैंगल पी ए बी, तो जो ब्रेथ जो है हाइट वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर पी क्यू की जगह उसका जो ब्रेथ जो वैल्यू है उसका पी क्यू का, तो ब्रेथ के इक्वल है, तो ब्रेथ क्या हमारा बी सी, तो कितना होगा क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी, यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो यहाँ पर ब्रैकेट में इसका रीजन लिख सकते हो, यहाँ पर क्यों आपने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, जो हमारा बेस था, जो हमारा जो ब्रेथ था हमारा बी सी, यहाँ पर लिखोगे बी सी इक्वल टू पी क्यू, बी सी जो है पी क्यू वही है, ठीक है। अच्छा अब हम बढ़ेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया हमारा, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब उसने बच्चों इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। देखो वन बाई टू को वैसे ही रखो, ठीक है, इनटू, अब हम इसको सॉल्व करना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे बताओ। तो पहले हम पकड़ेंगे पी स्क्वायर को, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम पढ़े हैं ऑलरेडी, पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पी स्क्वायर क्यू, सॉरी पी स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी के साथ, ठीक है। उसके बाद माइनस फाइव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी के साथ। ये सब हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है। ये हो गया वन बाई टू, इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं सब सब नंबरिंग ठीक है, तो एक मिनट सबको हम चेक कर लेते हैं एक बार। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस फाइव, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू माइनस फाइव, यस, और हमारे क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी, क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी, चलो सब ठीक है। तब हम यहाँ पे इंटू करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, तो पी यहाँ पर कितने बार है, दो बार, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू यहाँ पर दो और एक, कितना होगा क्यू टू द पावर थ्री, ठीक है, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर, ये हो गया पी कितने बार है, पी यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, कितना बार हो गया पी टू द पावर थ्री, यहाँ पर हो गया आपका क्यू, फिर माइनस में इसको इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा फाइव क्यू स्क्वायर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यह माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी पी, ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा बस यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर वन बाई टू, ये है हमारा एरिया, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू टू द पावर थ्री प्लस फोर पी टू द पावर थ्री क्यू माइनस फाइव क्यू का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी पी, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा आंसर, ये है हमारा एरिया निकल गया ट्राइंगल पी ए बी का, ट्राइंगल पी ए बी का ये हमारा एरिया निकल गया, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी का, ए खत्म हो गया, अब हम बी का क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों।